लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उस वक्त घर के सारे लोग कहाँ थे? ताहा और अबू तब तक ऑफिस में ही थे। अना और मंतशा शॉपिंग के लिए गए हुए थे और अम्मी अपनी सहेली के यहाँ गई हुई थी। अब बात मेरी समझ में आई। ये सारा प्लान तुम्हारी सास का था। तुम्हें घर पर अकेला छोड़ गई और फिर तुम्हें डराने की कोशिश की। बाहर से दरवाजा भी बंद था। दरवाजा वही लोग बंद करके गए होंगे क्योंकि उनके जाने के बाद ये हादसा हुआ। वैसे दरवाजा किसने खोला? अचानक अम्मी जान आ गए और उन्होंने बाहर से दरवाजा खोला। अबीर तू फिक्र मत करो, ये सारी चाल तुम्हारी सास की है। जरा उनकी चाल समझने की कोशिश करो। क्या वो वाकई अपनी सहेली के घर गई थी या कहीं घर के आसपास ही थी? और सुनो, हारिस का वहम अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। अगर ये हकीकत है तो हैदराबाद से हारिस का लेटर कैसे आया? लेटर इंसान लिखते हैं, उनकी रूह नहीं। यही तो समझ में नहीं आता कि उस खत का राज क्या है। हमें खुशी इस बात की है हमारे हारिस का प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करेंगे। जस्ट बी केयरफुल। आप बेफिक्र रहिए। आपकी बहू ने आपको चाय लाकर नहीं दी? बेगम कभी ऐसा हुआ है जब अबीर ने हमें चाय ना दी हो? वो किसी काम से बाहर गई है। सुबह सुबह ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? वो पुलिस स्टेशन गई है। पुलिस स्टेशन? लेकिन क्यों? नवान मलिक साहब ने बुलाया। या अल्लाह, खैर करना। अब मलिक को उससे क्या पूछना है? उस दिन बंद कमरे में तन्हाई में इतना कुछ पूछ कर गया है, फिर भी उसका दिल नहीं भरा। बेगम, जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये कानूनी मसला है। इट्स अ मर्डर केस। तफ्तीश के दौरान तफ्तीश करने वाले किसी को कहीं भी बुला सकते हैं। कहीं वो अबीर से मेरे बारे में तो कुछ नहीं पूछेंगे? क्यों, क्या आपने कोई जुर्म किया है? लीला, कैसी बातें करते हैं आप? क्या आपको उम्मीद है कि मैं कोई जुर्म कर सकती हूँ? बेशक आपने कोई जुर्म नहीं किया, मगर जब भी तफ्तीश की बात होती है तो आप इतना घबरा क्यों जाती हैं? आपके चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ने लगती हैं? नहीं, मैं घबरा कर रही हूँ।
मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। एक बात याद रखिए बेगम, तफ्तीश के दौरान सीबीआई वालों ने अगर आपसे सवालात किए और उनके सामने आप यूं टेंशन में आ गई, तो आपकी टेंशन को देखकर वो गलत अंदाजा लगा सकते हैं और फिर आपके लिए कोई भी मुश्किल खड़ी हो सकती है, और उस वक्त आप कायदे से उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगी। अल्लाह ना करे जो इस तरह के सवालात मुझसे करें। जब से ये कमबख्त अबीर इस घर में आई है, हमारा तो जीना ही दुश्वार हो गया है। हमारा नहीं, सिर्फ आपका, क्योंकि आप ऐसा महसूस करती हैं। मैं सिर्फ महसूस ही नहीं करती, बल्कि हकीकत में उसकी ज्यादतियों को बर्दाश्त भी करती आ रही। कैसी बात कर रही हैं बेगम? वो तो हमेशा इस घर के बारे में ही सोचती रहती है, इस घर के भले के बारे में सोचती है। और देखो ना, आज तहा भी उसी की वजह से बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ है, और फिर उसने तो इस घर की दौलत और जायदाद से भी अपना हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है, और आप उसे कमबख्त का नाम दे रही। अबीर जैसी बहू तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नसीब नहीं होती। अबीर ने पता नहीं आप पर क्या जादू कर दिया है, जब देखो आप उसी की तरफदारी करते रहते हैं, उसी की हाँ में हमिलाते रहते हैं। मुझे पसंद नहीं। देखिए, आपके और हमारे बीच जो गुफ्तगू हुई है ना, उसका जिक्र आप किसी से नहीं करेंगी। जी, आप बेफिक्र रहिए। अबीर साहिबा, क्या मैं आपसे चंद सवाल और पूछ सकता हूँ? जी। शुक्रिया। जान सकता हूँ आपकी हारिस से पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? पूना में, वहाँ पे मैं किराए के मकान में रहती थी। एक दिन शॉपिंग के लिए गई तो वापस आते वक्त मेरा ऑटो रिक्शा के साथ एक्सीडेंट हो गया। इत्तेफाक से हारिस मियाँ वहाँ आ पहुँचे, वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। चोट ज़्यादा नहीं लगी थी, इलाज के बाद वो मुझे घर छोड़ने आए थे। फिर वो मेरी खैरियत जानने के लिए घर आते जाते रहते थे, और हारिस से आपका इश्क हो गया, और वो इश्क परवान चढ़ गया, और हारिस ने आपसे निकाह कर लिया, राइट? जी। क्या निकाह की इत्तला हारिस ने अपने घर वालों को दी थी? जी नहीं, जब उनके अब्बू का फोन आया कि रिदा से उनकी शादी तय कर दी गई, तो वो घबरा गए थे, लेकिन हारिस मियां ने मुझे कुछ नहीं बताया और वो घर के लिए रवाना हो गए, और फिर ना उन्होंने कभी फोन किया, ना कभी खत भेजा, और ना ही वो खुद आए। बस उनकी मौत की खबर आई। फिर आपने उनका पता ठिकाना मालूम किया और उनके घर तक पहुंच गए, है ना? जी। ठीक है, हमें आपसे और कोई सवाल नहीं पूछने हैं, आप जा सकती हैं। क्या ये तुम क्या कह रही हो? जी हाँ, मलिक साहब ने मुझे फिर से पुलिस स्टेशन बुलाया था, उनसे मिलने के बाद मैं आपके पास आई हूँ। अच्छा, उन्हें कोई ऐसे सवाल तो नहीं पूछे ना जिसका तुम जवाब नहीं दे पाई हो? जी नहीं, उनके हर सवाल का जवाब मैंने निडर होके दिया। अब क्या पूछा उन्होंने? सबसे पहली मुलाकात मेरी हारिस से कब और कहाँ हुई? और तुमने क्या बताया? मैंने सारी हकीकत बयान कर दी। अब उनका क्या रिएक्शन था? वो नॉर्मल रहे। उन्होंने हारिस के प्रोजेक्ट के बारे में कोई जिक्र किया? जी हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा
कि हारिस के प्रोजेक्ट शुरू होने वाले से मेरा क्या फायदा होने वाला है, तो मैंने कहा हारिस की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और उन्होंने हारिस के मर्डर के बारे में कुछ पूछा? जी, पूछ रहे थे मुझे किसी पर शक है या नहीं, तो मैंने साफ इनकार कर दिया। देखो अबीर, बोलो पुलिस वाले हर सवाल घुमा फिरा कर पूछे, और तुम्हें सोच समझ कर हर सवाल का जवाब देना, वरना उन्हें राई का पहाड़ बनाने में देर नहीं लगेगी और हमारे सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। आप फिक्र मत कीजिए, मुझे कब और कहाँ किससे क्या बात करनी है, मैं हर होनार से वाकिफ हूँ। कोई कितना भी कोशिश कर ले, मुझे मेरा मकसद पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत खूब, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम बस अपने इरादे मजबूत रखना और एक कदम भी पीछे मत हटाना, क्योंकि अगर तुम्हारे कदम पीछे हट गए तो मंजिल आंखों से ओझल हो जाएगी और तुम्हें हर कीमत पर अपनी मंजिल को पाना है। बोलिए। अबीर यहाँ खड़ी हुई किसी शख्स से बातें कर रही है। अच्छा, कौन है वो शख्स? मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, उसकी बैक है। तो आप उसका पीछा कीजिए और उसे पहचानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर अगर मुनासिब समझे तो मुझे फोन कीजिए। ठीक है, मैं तो फोन करूंगा, मैं देखता हूँ कौन है वो। ओके। मैं जाफर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। वो अबीर तो चली गई है। अच्छा, और वो शख्स? वो एक बंगले में दाखिल हुआ है। आप जानते हो बंगला किसका है? नहीं, ये जगह बिल्कुल मेरे लिए नहीं है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वो शख्स कौन है? निगार, मेरा ख्याल है कि तुम यहाँ चली जाओ तो हम दोनों मिलकर हो सकता है उसको पकड़ लें। अच्छा ठीक है, मैं आने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वहाँ का एड्रेस क्या है? गुलफाम नगर रोड नंबर 7, जल्दी आ जाओ। गुलफाम नगर रोड नंबर 7, ठीक है, मैं पहुंचने की कोशिश करती हूँ, मेरा इंतजार करो। मैं इंतजार कर रहा हूँ। अरे बेगम, ये आप कहाँ जा रही? जी, अपनी एक सहेली के यहाँ जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, हम तो समझे आप नुमान मलिक से मिलने जा रहे हैं। क्या उन लोगों का फोन आया था? याद कर रहे थे आपको। क्या कहा उन्होंने? आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। या अल्लाह, अब मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? अब हम क्या बताएं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है।
कहाँ और किस वक्त जाना है? पुलिस स्टेशन में बुलाया आपको, और वो भी अभी इसी वक्त। या अल्लाह। अरे भाई, हम तो मजाक कर रहे थे, आप सचमुच घबरा गई? या अल्लाह, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। आइंदा इस तरह का मजाक मत कीजिएगा। अच्छा अच्छा, मैं जाऊं, मुझे देर हो रही है। बड़े शौक से। अभी तक आई क्यों नहीं? आयजन, इतनी देर लगा दी तुमने? मैं अली साहब से किसी तरह बहाना करके आई। अच्छा, गुफ्तगु छोड़िए, बताइए वो शख्स किस बंगले में गया है? वो सामने वाले बंगले में। अभी तक बाहर नहीं आया? नहीं, मैं उस पर बराबर निगाह रखा हुआ। मुझे तो डर है कि अबीर उस शख्स के साथ मिलकर कोई प्लान ना बना रही हो। उस लड़की से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है, वो लड़की यकीन करने के काबिल ही नहीं है। जानती हूँ, हर वक्त उसके जहन में कोई ना कोई फितूर जन्म लेता ही रहता है। सीबीआई वाले भी उसे बार बार बुलाते रहते हैं। मुझे तो डर है भाईजान कि कहीं सीबीआई वालों के सामने कोई नया शगुफा ना छोड़ दे और हम लोग मुसीबत में ना फंस जाएं। तुम्हें हर वक्त उस पर निगाह रखनी चाहिए। वो कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, किससे मिलने जा रही है, लेकिन तुम उस पर निगाह ही नहीं रखती। सिर्फ निगाह रखने से क्या होता है? वो घर से बाहर जाते वक्त मुझसे इजाजत लेती है, जब चाहे चली जाती है। खैर, अब इनकी बातें छोड़ो, अब ये सोचना है कि उस आदमी तक कैसे पहुंचना चाहिए। क्यों ना हम उस बंगले में जाकर शख्स का पता करें? अभी नहीं, कुछ देर इंतजार करना चाहिए, शायद वो थोड़ी देर के बाद बाहर आए। क्यों, कर लिया ताहा को फोन? हो गई दिल की सारी बातें? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? किसी जमाने में मुझे तकलीफ होती थी, लेकिन अब तकलीफ तुम्हें होने वाली है। क्यों? क्योंकि तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ती जा रही हो। मैं हद से आगे नहीं बढ़ रही हूँ, बल्कि तुम्हें अपनी शिकस्त पर अफसोस हो रहा है। तुम्हें मेरी ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। अल्लाह के फजलो करम से बहुत जल्दी मेरे अरमान पूरे होंगे और उस दिन तुम मेरी दुश्मन बन जाओगी। रोगे तुम अपनी किस्मत पर। शायद तुम इस बात से वाकिफ नहीं हो कि इंसान का हर ख्वाब कभी पूरा नहीं होता, और ताह से शादी करने का तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। तुम ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह रही हो? क्योंकि तुमने मेरे प्यार पर कब्जा किया है, क्योंकि तुमने मेरा दिल तोड़ा है, क्योंकि मेरा दिल ये गवाही दे रहा है कि अल्लाह किसी का हक छीनने वाले की मुराद कभी पूरी नहीं करता। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि मेरे दिल की ये मुराद पूरी होती है या नहीं। मेरे सेहरे के फूल खिलते हैं या नहीं? तुम्हारे सेहरे के फूल खिलेंगे, लेकिन ताह के निकाह में नहीं। तुमने अभी तक अब्बू के तेवर नहीं देखे। जब वो उन लोगों का जिक्र तक पसंद नहीं करते, तो ताह के साथ तुम्हारे रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेंगे। तुम्हारे ये सारे अरमान अरमान बनकर रह जाएंगे, क्योंकि ताह मुझे हासिल करने के लिए तुम्हारे दिल के साथ खेल रहा है। वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा, उन्हें जा कभी नहीं।